शालीमार बाग इलाके के शीश महल पार्क में बने प्राचीन श्री राधे कृष्ण मंदिर को तोड़ने के लिए गार्डों द्वारा की गई कोशिश, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर काफी साल पुराना है। आपको बता दें कि शालीमार बाग इलाके में शीश महल पार्क में प्राचीन श्री श्री राधे कृष्ण मंदिर है, जो कि कई साल पुराना है, जहां पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर काफी साल पुराना है और इसका चबूतरा बारिश के कारण धस गया है, जिसको रिपेयर कराने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा आज सुबह लेबर लगाए गए, लेकिन डीडीए बालों और गार्डों ने आकर लेबरों के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह मंदिर लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डीडीए का कहना है कि यह जमीन डीडीए की है। मेरा नाम गोवर्धननाथ चतुर्वेदी है। दिल्ली प्रदेश, दिल्ली प्रांत में अर्चक पुरोहित मठ मंदिर का मैं काम देखता हूँ विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि ये यहाँ शालीमार का बड़ा विख्यात शीश महल पार्क है। यहाँ हमारे बहुत पूर्वजों की मणि बनी हुई है। यहाँ जब भी 5-6 गांव के लोग ब्याह शादी होती है या मुंडन होता है, यहाँ अपने मत्था टेकने आते हैं। नहीं बहू आती है तो पहले यहाँ मत्था टेकेगी, तब घर जाएगी। ये इतना हजारों साल पुरानी जगह है, डीडीए जब नहीं था उससे पुरानी जगह है ये। लेकिन यहाँ अभी ये छोटी सी मड़ी हमारी बनी हुई थी और यहाँ आगे चबूतरा था। यहाँ जो गांव के लोग आते थे दूर दूर से, ये बैठ करके अपना कीर्तन वीर्तन करते थे, अपना खाना पीना करके, अपना संस्कार करके, अपने जो भी उनके यहाँ था उनको। ये अब ये बारिश में यहाँ ये टूट फूट हो गई थी तो इसकी रिपेयरिंग कर रहे थे। केवल हम कोई न बढ़ा रहे थे न जगह बना रहे थे, केवल वो जो बारिश में गड्ढे हो गए थे उनको भर के इसकी रिपेयरिंग की है। इस पे यहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने हमारे जो लेबर है उनको मारा है, सामान उनका उठा लिया और यहाँ ये इन लोगों ने आकर के और ये तोड़ फोड़ करी है, यहाँ सारे गड्ढे गड्ढे दोबारा से कर दिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमने कोई जगह इनकी आप देख सकते हो न, हमने इसको जगह को बढ़ाई है न कुछ और बनाया है, केवल रिपेयरिंग कर रहे थे। उस पर यहाँ डीडीए के अफसर गार्डों को लेकर के आए हैं और जो लेबर है उसकी पिटाई करवाई है रात को। अफसर के क्या नाम है? जो यहाँ के जमील अहमद है, जो डिप्टी डायरेक्टर है। उनसे आप लोग की बात हुई थी? हमारे कुछ लोगों ने उसको एप्लीकेशन डाली थी तो उसने कहा मैं यहाँ कब्जा नहीं करने दूंगा। हमने कहा कब्जा नहीं, केवल ये रिपेयरिंग करना है। लगभग 30 साल से इस शीश महल पार्क में मैं आ रही हूँ। आज का जो मुद्दा था, मुझे यहाँ पर सुबह 5:30-6 बजे ये पता लगा कि इस तरीके से यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर लोग, बहुत पुराने लोग, अपने देवी देवताओं को, जैसे कोई कहते हैं कि जात लगाने आते हैं, इस तरीके से ये मंदिर है। यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था जो धीरे धीरे बारिश की वजह से धस गया था। यहाँ पर रिपेयरिंग हमारे कुछ लोग कर रहे थे। यहाँ पर गार्डों ने आके और डीडीए वालों ने आके यहाँ पर उनको उस फर्श को जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की थी उसको तोड़ा और हमारे जो लेबर थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। आज उनके नील पड़ी हुई है इस तरीके से। तो हम ये चाहते हैं, क्या दिल्ली पुलिस से आप लोग कंप्लेंट की? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस से हमने कंप्लेंट की है। पुलिस अभी तक नहीं आई है और हमारी कंप्लेंट पे अभी तक कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। तोड़ने वाले डीडीए के जो लोग थे, डीडीए के लोग और यहाँ के जो पर्यावरण के, जो इसके शीश महल के जो लोग हैं, डीडीए वालों ने गार्डों से मिलकर उनकी पिटाई करवाई है। बच्चे को बुरी तरीके से मारा गया। समस्या आती है पार्क के अंदर? यहाँ पर पार्कों में बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे जो गार्ड है, यहाँ पर एक जो टूटी हुई दीवार है उसको आज तक कोई नहीं बनाता है। आप ये देखिए कि अगर आज हमारा मंदिर है तो जो हमारे यहाँ के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो हमारी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते कि जो रिपेयरिंग है उसको कर दें।
उसको करवा दे। आज जो केजरीवाल जो सरकार है, आज वो मुसलमानों का नेता बन चुका है, वोट बैंक सिर्फ कर रहा है। 80 करोड़ रुपए लगाकर वो रोहिणी में एक हज हाउस तो बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर मुसलमानों की आबादी 0.1% है। इसका मतलब दूसरे एरिया से मुस्लिम लोगों को उठाकर दूसरी कम्युनिटी के लोगों में भिजवाने के लिए आज सिर्फ वो मुसलमानों का साथी बना हुआ है और हमारे हिंदुओं का वो बिल्कुल दुश्मन बना हुआ है। केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। आदत शर्मा है। और शर्मा जी, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा है जी कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, पहले से बना चला आ रहा है और काफ़ी टाइम हो गया मंदिर को बने हुए। यहाँ पे कोई नई इंक्रोचमेंट नहीं है, इसको रिपेयरिंग कराया जा रहा है, साफ़ सुथरा रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ के गार्डों ने, डीडे के लोगों ने एक लड़के की पिटाई कर दी, उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट की गई, पुलिस आई है यहाँ पे। अब हम यहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बना सकते? मेन रोडों पर आप मस्जिदें बना सकते हो, ये तो बिल्कुल साइड में है। यहाँ पे अगर मंदिर बनाने में प्रॉब्लम क्या है? मंदिर तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे साफ सफाई रखनी गई है, पूजा हो रही है यहाँ पे, आप सामने देख सकते हैं लाइव पूजा चल रही है। ऐसा क्या हो गया कि हम अपने अपने देश में रह के अपने पूरे पूजा नहीं कर सकते? डीडे कहते हैं, डीडे की जगह है। अरे डीडे की जगह है, ये ऑलरेडी पहले से मंदिर बना हुआ है, आप चेक करा लो उसको, जो रोड पे बने हुए हैं एमसीडी की या डीडे की, कौन सी परमिशन बने हुए हैं? आप एक की भी परमिशन दिखा दो, कोई बना हुआ है? आप इसको देखो ना, ये छोटे से मंदिर के लिए परेशान हो रहे हैं। लेबर का मारने के क्या कारण? लेबर का मारने का जी, उस सुबह 5 बजे बच्चा घूमता हुआ है यहाँ पे, उसने यहाँ पे साफ सफाई कर रही और डीडे वाले ने देखा कि मंदिर में काम कर रहे हैं, उसने डंडा मार दिया उसको, हम उसकी पीठ पे लाल निशान पड़े हुए हैं डंडे के। पुलिस अभी आई है, अभी उन्होंने कंप्लेंट की है, अभी देखो क्या कार्रवाई होती है, अभी देखते हैं आगे। क्या गार्डों का मारने का परमिशन? बिल्कुल परमिशन नहीं है गार्ड का, किसी को भी परमिशन नहीं है, पुलिस को मारने की परमिशन नहीं है। जो गार्ड है, गार्ड को परमिशन कैसे दे दोगे मारने की? इस तरह से अगर चोट लगी है तो दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए अभी एमएलसी करवाते हैं, देखते हैं कौन गार्ड है, अभी बात करते हैं, पुलिस को अभी बोला है, पुलिस की नज़र में अभी आया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है।